जय हिंद दोस्तों, आज के लिए आप लोगों की एक नई टॉपिक है जो बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आदर्श और अनादर्श विलेन। आज हम जानेंगे आदर्श विलेन क्या होता है और अनादर्श विलेन क्या होता है, दोनों में अंतर। आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन, आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन। देखिए, आदर्श विलेन क्या होता है और अनादर्श विलेन क्या होता है। वे विलेन जो ताप तथा दाब, वे विलेन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति में जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात आदर्श विलयन, देखिए, वे विलयन जो ताप और दाब की समस्त परिस्थितियों में, ताप और दाब चाहे जो भी हो, लेकिन वो क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और राउल्ट का नियम होता क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि विलयन का वाष्प दाब जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएस, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है और इसका पालन क्या करता है, आदर्श विलयन, उसी को हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। जो विलयन ताप और दाब की समस्त स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट अनादर्श विलयन हो जाएगा। वे विलयन जो ताप तथा दाब वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम का पालन जो नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो समस्त परिस्थिति में, ताप और दाब की समस्त परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। तो अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात PS cannot equal to P0 into XA। ये क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलायक का मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर नहीं होता है, अर्थात राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगली पॉइंट इसमें क्या है, आप लोगों की पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या है आदर्श विलयन के लिए, कि विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या है कि विलयन का जो कुल आयतन होता है वह दोनों घटकों के
दोनों घटक क्या है, एक विलेय है और दूसरा विलायक। तो जो विलयन का कुल आयतन होगा, पूरा विलेय और विलायक को मिला के जो विलयन बनाया है उसका जो कुल आयतन होगा वो विलेय के आयतन और विलायक का दोनों का कुल आयतन अगर जोड़ दिया जाएगा, उसका योग कर दिया जाएगा, तो वह किसके बराबर होगा, जो विलयन का आयतन होगा। अर्थात उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसके आयतन में कोई नहीं परिवर्तन होता है। डेल्टा बी किसका यह है, डेल्टा बी मिश्रण का। तो डेल्टा बी मिश्रण क्या है, डेल्टा बी मिश्रण इक्वल क्या होता है, जीरो के बराबर। कहने का मतलब जब आयतन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जो विलयन का आयतन होगा वही विलेय और विलायक का मिला करके कुल आयतन होगा, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा बी आयतन में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और अनादर्श विलयन जो आपका होता है उसमें क्या होता है कि विलयन और विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। क्या पहली पॉइंट इसकी हो गई अनादर्श विलयन की, और यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या है कि विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के कुल आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अनादर्श विलयन में दोनों आयतन का योग के क्या होता है, बराबर होता है, इसमें क्या होता है, बराबर नहीं होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात डेल्टा वी किसका है, डेल्टा वी क्या है, आयतन में अंतर किसका, मिश्रण का। तो मिश्रण के आयतन में जो अंतर होगा वह जीरो के बराबर इसमें नहीं होता है। अर्थात जब विलेय और विलायक को मिला दिया जाता है तो जो विलयन का आयतन होता है अनादर्श विलयन के लिए, वह विलेय और विलायक को कुल आयतन मिलाया जाएगा तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, कम ज्यादा हो जाएगा, बराबर नहीं होता है। आइए तीसरी पॉइंट देखते हैं क्या है कि विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी पॉइंट क्या है कि विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि विलेय और विलायक दोनों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो वहां पे उसके उष्मा में कोई परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा। तो उष्मा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, डेल्टा यह, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन भी इसको कहते हैं। एंथैल्पी क्या होती है, वही जो किसी पदार्थ की या किसी निकाय की उष्मा होती है उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। और यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन जो है उसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा या उष्मा में परिवर्तन। तो डेल्टा यह किसका है, मिश्रण का। तो मिश्रण जो बना हुआ है उसकी उष्मा में जो परिवर्तन होगा, वह क्या होगा, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर परिवर्तन में अंतर होगा तो कुछ उसका आंकिक मान होगा, लेकिन जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाया जाएगा तो उसकी उष्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो डेल्टा एच क्या है, उष्मा में परिवर्तन, किसका, मिश्रण का। और मिश्रण की उष्मा में जो परिवर्तन है वह जब नहीं परिवर्तन होगा तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और तीसरी पॉइंट क्या है अनादर्श विलयन के लिए कि यही विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाने पर, क्या विलेय तथा विलायक को, विलेय तथा विलायक को आपस में, विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर उष्मीय परिवर्तन होता है, उष्मीय परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होगा अनादर्श विलयन के लिए कि अनादर्श विलयन में जब विलेय और विलायक दोनों को आपस में मिला देंगे तो जो विलेय की उष्मा होगी और विलायक की उष्मा होगी दोनों आपस में मिलने के बाद परिवर्तित हो जाएगी, जो उष्मा पहले है वह नहीं रह जाएगी, मिलाने के बाद उसकी उष्मा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो अर्थात जब उष्मा परिवर्तित हो जाएगी तो अर्थात डेल्टा एच
किसका है, मिश्रण का, किसके ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, मिश्रण का। तो मिश्रण में की ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है यह जीरो के बराबर नहीं होता है, अर्थात जीरो के बराबर जब ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है तो जीरो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ऊष्मा में परिवर्तन होगा। किसके लिए, अनादर्श विलयन के लिए, लेकिन आदर्श विलयन के लिए ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा, जो उसकी विलयन की पहले से ऊष्मा है और जब विलयन तथा विलायक को आपस में मिला दिया जाएगा उस समय भी उसकी ऊष्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जो उसकी ऊष्मा पहले है वही मिलाने के बाद भी रहेगी। यह आपका था आदर्श विलयन, यह आपका अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।